द क्वेश्चन इज इवेल्यूएट इंटीग्रल ऑफ अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एस टू पावर फोर डी एक्स। तो अब जो हमारा इंटीग्रल गिवन है इसे हम सपोज कर लेते हैं आई एक्स स्क्वायर प्लस वन, अंदर हमारे पास फंक्शन है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस, देखो ये जो टू है ना इस टू को हम लॉग एक्स की पावर में कन्वर्ट करके वापस लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ना लॉग एम रेज टू पावर एन, तो एन को हम आगे लिख सकते हैं, तो सिमिलरली हम इस एन को वापस ऊपर भी लेके जा सकते हैं, तो इसे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर ही लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर फोर। अब देखो यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है ना, तो इसमें आप अभी डायरेक्टली बाय पार्ट्स लगा सकते हो, तो हमें कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूशन तो करना होगा कि सब्सटीट्यूशन से हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर पाएँ। तो अब देखो यहाँ अगर आप सब्सटीट्यूशन भी अप्लाई करते हो तो उसके लिए हमें उसका डेरिवेटिव चाहिए। अब ये फंक्शन जो है लॉगरिदम वाला, ये डेरिवेटिव तो नहीं बनेगा क्योंकि इसे हम टी पुट करेंगे, ऑब्वियसली ये लॉगरिदम में डेरिवेटिव नहीं आएगा, हम लॉगरिदम को टी पुट करके देन ये डेरिवेटिव बाहर वाला कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले हमें इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, पहले हम लॉगरिदम की टर्म को सॉल्व करते हैं, एक्स एस टू पावर फोर यहाँ रहने दीजिए, तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, ये लॉग एम माइनस लॉग एन है, तो इसे लॉग एम बाई एन लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। अभी भी इस फॉर्म में नहीं है कि हम डेरिवेटिव बना पाए बाहर वाले फंक्शन को, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स एस टू पावर फोर ये बन गया हमारे पास। देखो एक्स स्क्वायर को दोनों के डिवाइड में अलग अलग रखो तो ये वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास अभी लॉगरिदम के साथ ये फंक्शन बना है, तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो डेरिवेटिव वन का आएगा जीरो और वन अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब की फॉर्म का होगा, लेकिन बाहर जो हमारे पास टर्म है वो काफ़ी बड़ी है, तो मींस अब हमें इसे भी सिंप्लीफाई करना है। अगर ये फॉर्म हम ले आते हैं तो वहाँ से बाहर भी सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ से आप क्या करो, एक एक्स जो है वो अंडर रूट के वापस अंदर लेके जाओ, ठीक है, एक्स को वापस अंडर रूट में लेके जाएंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ये क्लियर है। ये कैसे हो गया, देखो जैसे हम हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता है तो बाहर आकर के उसकी पावर हाफ हो जाती है, तो वापस अगर आपको इसको अंडर रूट में लिखना होगा तो अंडर रूट में ले जाने के बाद इसकी पावर डबल करनी पड़ेगी, तो इसीलिए हमने बाहर से तो सिर्फ ओनली एक्स जो है यहाँ से अलग से करके सेपरेट करके इसे हम अंडर रूट में लेके गए हैं, बाहर एक्स क्यूब ही बचेगा, एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे यहाँ पे आप, एक्स क्यूब ही बचेगा, एक एक्स जो है अंडर रूट में गया तो अंदर जाके ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा। तो अब देखो अंडर रूट के अंदर भी जो एक्स स्क्वायर है इस टर्म को हम दोनों के डिवाइड में अलग अलग लिखेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वन हो जाएगा और वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये टर्म बन जाएगी। तो अब हमारे पास ये फंक्शन कुछ सिमिलर टाइप में बन चुका है और एक एक्स क्यूब की टर्म भी बच गई है जो कि हमारे डेरिवेटिव में यूज़ हो सकती है। तो अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी, सो लेट टी इज इक्वल्स टू वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सो डी टी इज इक्वल्स टू वन का हो जाएगा ज़ीरो और ये आएगा माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, माइनस टू नहीं है हमारे पास तो इसे हम डी टी के डिवाइड में ले आते हैं, वन अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, राइट। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का वन बाय टू हम बाहर रख लेते हैं इंटीग्रल से, अंडर द रूट टी लॉग टी और ये हमारा डेरिवेटिव में गया डी टी। अब ये फंक्शन बन गया हमारे पास, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा बाय पार्ट से, तो बाय पार्ट से हमें यूज़ करना है पहले आईलेट, तो उसमें लॉगरिदम फंक्शन जो है वो पहले, फिर अलजेब्रिक जो होंगे वो सेकेंड होंगे, तो हमारा फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकेंड फंक्शन हमारा ये है। तो यहाँ अप्लाई करते हैं आप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लॉग टी एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, राइट, डी टी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, देखो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा वन बाई टी हो जाएगा लॉग ऑफ टी का इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, अभी अंडर रूट टी की इंटीग्रेशन करनी है और इस पूरे फंक्शन की फिर इंटीग्रेशन हो गई, राइट। सो आई इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू बाहर था लॉग टी, अंडर रूट टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी टी रेस्ट पावर थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू माइनस, यहाँ हमारे पास वन बाय टी था, अगेन यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे टी रेस्ट पावर थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू डी टी, सो आई विल बी इक्वल टू वन बाय टू लॉग टी, थ्री बाय टू जो है ये टू बाय थ्री बन जाएगा टी रेस्ट पावर थ्री बाय टू
माइनस, यहाँ हमारे पास देखो टी रेज़ टू पावर 3/2 ऊपर है और पावर 1 यहाँ है, तो यहाँ टी की पावर हमारे पास 1/2 बचेगी, 3/2 माइनस 1, 1/2, और ये जो 3/2 है वो भी 2/3 हो जाएगा हमारे पास। अब हमें सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन करनी है, बाकी हमारा सम सॉल्व हो गया है। -1/2 log t, ये 2/3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 2/3 हम कॉमन ले लेंगे। टी रेस्ट पावर 3/2, और टी रेस्ट पावर 1/2 की इंटीग्रेशन करेंगे, 1/2 प्लस 1, तो अगेन 3/2 एंड 2/3 प्लस सी, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाहर बचेगा -1/3, -1/3 टी रेस्ट पावर 3/2 लॉग टी, -2/3 टी रेस्ट पावर 3/2 प्लस सी। अच्छा, पावर जो 3/2 है हम बाहर ले सकते हैं, टी रेस्ट टू पावर 3/2 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बचेगा लॉग टी -2/3 प्लस सी। तो अब हम बस टी की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा सम जो है वो सॉल्व हो गया। आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, 1+1/x² -2/3 प्लस सी, तो यही आंसर है। थैंक यू।